जय माता दी। दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं खोआ और पनीर से बिल्कुल मज़ेदार यह रेसिपी। सब्जी का तैयार होगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे टेस्ट में आपको तैयार करके ये सब्जी दिखाएंगे, तो बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी सब्जी बनाएंगे। तो गाइस चलते हैं हम बनाने की ओर। तो इस तरह से हमारे 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम हमारे खोआ यानी मावा है, खोआ और 200 ग्राम पनीर। उसके बाद और भी हमारे सामान है, जैसे एक चम्मच हमने साबुत खड़े गरम मसाले लिए हैं और एक चम्मच पीसे मसाले मिक्स वाले लिए हैं और हरे मिर्च लहसुन लिए हैं, अदरक हरे मिर्च लहसुन है, उसके बाद तीखे लाल मिर्च हैं और फिर लहसुन है, उसके बाद चार प्याज है, प्याज हमारा 250 ग्राम है। उसके बाद हम तो गाइस ये सब हमारे सारे सामान हैं और भी कुछ सामान हम बनाते वक्त यूज करके दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब हम चलते हैं बनाने की ओर। तो ये सब सारे हमारे सामान हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिक्सी चाहिए, तो हम इसमें डालेंगे अदरक और दो हरे मिर्च और जो इधर हमने लहसुन की कलियाँ रखे हैं उसको डाल के ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा, उसी मसाले में से थोड़ा सा मसाला इसमें डाल देंगे जो हमारे मसाले थे साबुत। तो इसको मिक्सी कर लेंगे, आप मिक्सी या सिल पर भी पीस सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सारे प्याज को कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक, तो हम इनका फ्राई करेंगे तड़का लगाएंगे। तो सारे प्याज को यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं पहले, बहुत ही टेस्टी यह सब्जी बन के तैयार होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम तेल लेंगे, तो तेल हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कम से कम 100 ग्राम से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे तेल हमारा गर्म होने पर हम जो हमारे साबुत खड़े मसाले थे उसका तड़का लगाएंगे यहाँ पे। तो मसाला थोड़ा पकने पर इसमें लाल मिर्च जो हमारे हैं इसको भी डाल दिए हैं। उसके बाद जो हमारे बचे हुए लहसुन के कलियाँ थे उसको भी डाल के थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद हम प्याज को डालेंगे यहाँ पे, देखिए। तो प्याज के डालने के बाद हम इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को बढ़िया सा। तो चलिए हम ब्राउन होने तक प्याज को पका लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गए हैं प्याज हमारे ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो अच्छे से पकने के बाद हमें इसमें और भी सामान ऐड करना है। तो प्याज हमारे हो चुके, इसमें हम जो पीसे हुए सामान थे अदरक वगैरह इसको भी डाल के हम अच्छे से कुछ देर और भी पका लेंगे प्याज के साथ, ताकि और भी प्याज हमारे पक जाए और जो हमने मसाले इसमें डाले हैं अदरक लहसुन वगैरह ये भी अच्छे से पक जाए। तो अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाए जब तक लाल ना हो जाए बढ़िया सा, तेल भी ना छोड़ने लगे। तो इस तरह से हमारे मसाले पक गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक चम्मच हल्दी के पाउडर डालेंगे, हल्दी के पाउडर। उसके बाद यहाँ हम डालेंगे एक चम्मच धनिया के पाउडर, पीसे हुए धनिया के पाउडर। उसके बाद जो हमारे मसाले थे उसको भी हम डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पे इतना यूज करेंगे कि जितने में हमारा मसाला अच्छे से भुजाई हो सके। तो यहाँ पे कुछ हम पानी डाल दिए इस तरह से, तो जितना आपको पानी की आवश्यकता हो मसाला भूजने के लिए उतना आप डाल के मसाले को भूज सकते हैं। तो मसाले को हमको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से भूजना है, 5 से 7 मिनट, जब से अच्छा खुशबू न आने लगे और तेल भी न छोड़ने लगे हमारे मसाले को, तो अच्छे से मीडियम फ्लेम पर मसाले को हम भूज लेते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होगा,
तब तक मसाले हमारे भुजाई हो रहे हैं तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा। तो हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा गुटकादार होना चाहिए इस तरह से। तो हम खोआ और पनीर को कर लेते हैं इस तरह से मिक्स। उसके बाद यहाँ मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं, इनमें सारे हम खोआ और पनीर को डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी तैयार होंगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो डालने के बाद इसको हम अच्छे से फिर से हम कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे ताकि एक अच्छा सा टेस्ट निखर के आए और बढ़िया सा हमारा सब्जी तैयार हो। तो इसको आप भूनना बिल्कुल ही ना भूलें। जब भूजोगे तो इसका टेस्ट अच्छा से आएगा, खोआ और पनीर का फ्लेवर। तो अच्छे से हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको भूज लेते हैं। सो गाइस, तब अगला प्रोसेस हम दिखाएंगे। तो हमारे इस तरह से हो गए, अच्छे से भुजाई हो गए, देख लीजिए बढ़िया से मिक्स हो गए अच्छे से। तो यहाँ पे हमें चाहिए पानी। तो अगर हमें ग्रेवी चाहिए तो हम यहाँ पे पानी यूज करेंगे। तो अगर आपको ग्रेवी ना चाहिए तो बस भूज के आप उसी तरह से भी बना सकते हैं। तो हमें ग्रेवी चाहिए, थोड़ा हम यहाँ से पानी यूज करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज करें, जितना आपको खाना हो। तो इस तरह से अब हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे चलाते हुए, क्योंकि खोआ का ये सब्जी है तो इसको चलाना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे चलाते हुए पका लेंगे। तो सब्जी हमारे पकने लगे हैं, देख लीजिए। तो गाइस, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे सब्जी भी तैयार हो गए, तेल भी छोड़ने लगे हैं हमारे सब्जी। तो इस तरह से हम गैस को अब बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हमारे पास है, हम इनको भी डाल लेंगे। तो खोआ मावा की सब्जी है तो इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट अगर आपके पास हो तो डालिए, अगर ना हो तो फिर ऐसे ही सब्जी आपके बिल्कुल मज़ेदार सब्जी तैयार हो चुकी है। तो हम इसको थोड़ा ड्राई फ्रूट से अच्छा सा और भी डाल के हम तैयार कर लेंगे। तो गाइस, हमारे इस तरह से खोआ और पनीर की सब्जी तैयार है, और आप लोग भी खाइए, हम लोग भी खाएंगे। और हमारे वीडियो के इसमें हम कसूरी मेथी भी डाल दे रहे हैं, ये ऑप्शनल है। ना हो तो आप धनिए की पत्ती को भी डाल के तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए चैनल में हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।